हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपको पता ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एपी में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। एक्सरसाइज कितना देख रहे हैं बाबू रे, आपको पता है ना कितना देख रहे हैं? एक्सरसाइज 5.2 की स्टडी हम लोग अभी कर रहे हैं। आपको पता ही एक्सरसाइज 5.2 की स्टडी कर रहे हैं, और 5.2 में हम लोग क्या देखेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसको हैंडल करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है थोड़ा बड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी, अभी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करोगे, भागोगे नहीं, पहले बता रहा हूँ। भागना नहीं है, पहले पूरा वीडियो को देखना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, आगे बढ़ने दो यार, है ना? ना खुद बढ़ते हो ना किसी और को बढ़ने देते, टांग मत खींचो, आगे बढ़ाओ। चलो तो यहाँ ध्यान दो, मेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब होता है गुना, गुणांक, मतलब 4 के कितने गुणज है 10 और 250 के बीच। मतलब ये है कि हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 4 के पहाड़ा में 10 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो 4 के टेबल्स में आ जाएंगे, 4 से वो कट जाएंगे, कितने नंबर से वो हमें को फाइंड करना है। मतलब कितने नंबर से, ये तो पता चल गया मेरे को, एन फाइंड करना है, लेकिन मेरे को एपी यहाँ पे नहीं पता है। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले एपी ज्ञात करना, तो एपी कैसे ज्ञात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह बनाना, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं है। हल सबसे पहले एक बात करते हैं, हम लोग पता है कि 10 और 250 के बीच में हम 10 के मतलब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, लेकिन उसके जस्ट 10 के बाद क्या आता है? 12 आता है, 12 आता है 4 के पारा में। मतलब हमें ये पता चल गया कि 12 है, उसके बाद क्या होता है? 12 के बाद 16 आता है, उसके बाद 16 के बाद क्या आता है? 20 आता है, डॉट 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 डॉट। इस तरह से हम गिनते तो नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे तो बहुत लंबा लगेगा हमें, तो फॉर्मूले से बनाना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतने टाइम होते नहीं है, हमें फॉर्मूले से बनाने हैं। मतलब ये हुआ कि हमें तो प्रथम पद पता चल गया, इससे हम डी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये पता चल गया कि ए बराबर क्या है बाबूरे? 12, और डी बराबर क्या, अगला माइनस पिछला, मतलब 16 माइनस 12 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 4। ये तो मेरे को पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पे हम क्या गया, हमको ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो हमें 3 चीज़ चाहिए होता है और हमें एक चीज़ निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे ए एन भी गायब है और एन भी गायब है। मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ए एन पता करना है, जब तक ए एन नहीं पता करेंगे तब तक हम एन नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब हमें एन पहले ए एन पता करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंतिम पद को देखना, अंतिम पद क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैंने इससे तो अनुमान लगा लिया कि 4 के टेबल में 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, ये तो पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे 250 के नीचे कौन सा ऐसा मतलब नंबर है जो 2 के 4 के पहाड़ में कट जाता है, ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे अंतिम पद को, तो 4 को हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। चलो यहाँ से लगाया, यहाँ से क्या किया, 6 से लगाया, तो क्या आया यहाँ पे? 24 आया, ये 0 जो कहते हैं, ये हो गया मेरा क्या 1, है ना, 1 आएगा, हाँ आइए कैंसिल, बचा मेरा 10। तो अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 है, बचा यहाँ पे क्या 2। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस 2 को, इस 62 है ना, इस 62 को अपन क्या करेगा पता है? क्या करेगा बताओ? 62 को ना इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको कहा क्यों भाई, ये तो गुना नहीं ना हो रहा, अब तो ये तो 4 से लगेगा नहीं, बचा मेरा जो ये नंबर, इस नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 62 को 4 से पहले गुना कर दो, तो 62 गुना 4 तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे गुना करोगे, इस तरह गुना करते आपको समझ में आएगी, गुना कर दो, तो 2 2 चौके 8 आया ना, हाँ 6 चौके 24, मतलब 248 जो होगा वो मेरा लास्ट ऐसा पद होगा, 250 से नीचे लास्ट पद होगा जो 4 से क्या होगा, कट जाएगा। आप तैयार करके देख लोगे, ट्राई करके देख लोगे, तो ये तो कट ही जाएगा। मतलब हमें अंतिम पद पता चल गया, मतलब ये है कि हमें ए एन क्या हुआ, हमें ए एन पता चल गया 248। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना, हमें निकालना है एन, एन ज्ञात होगा तब हमें पता चल जाएगा कि 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स है जो 4 के टेबल में आ जाते हैं, 4 के पहाड़ा में आ जाते हैं, हमें ये पता चल जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो एन नहीं निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? तो हम यहाँ पे जानते हैं, कैसे लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो बाबू रे, हम क्या जानते हैं, हम आपको क्या लिखा है, हम लिखाए हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, होता है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। तो बाबू रे ए एन का मान यहाँ पे कितना 248, तो यहाँ लिख दो 248,
बराबर। अब यहाँ पे ए का मान यहाँ पे क्या निकला अभी मेरा 12, तो यहाँ लिख दो 12 प्लस एन हमको नहीं पता है, एन हमको ज्ञात करना था, एन माइनस वन आपको जेगा क्यों लिखना है, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नक्को करने का है। अदरवाइज डी का मान क्या है मेरा 4, तो यहाँ रख दो 4, ये डी का मान 4 है ना, ये डी का मान तो मैंने वहाँ रख दिया 4 क्योंकि ये डी बगल में यहाँ पे है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ज्यों का त्यों लिखता हूँ, एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248 ज्यों का त्यों, क्योंकि भाई 12 कहाँ लिख रहे हो, अरे यार ये प्लस में है ना, तो ये इधर लेके आया, बराबर को इस तरफ ले आया, मैं इधर लेके आया तो माइनस 12 होगा कि नहीं। किसी भी नंबर्स को अगर इक्वल टू के उस तरफ लेते हैं तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है इक्वल टू के उस तरफ लेने पर। तो ये प्लस था तो मैंने इधर लिया, तो कहोगे भाई इधर ना लिखा था, अरे यार इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख, क्या दिक्कत है, वही तो बात है, बात तो वहीं पर आ रही ना। तो मतलब यहाँ पे 12 को मैं इधर लिख लिया। अब यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी मेरा ज्यों का त्यों रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको घटा दो, तो 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, क्लियर है। अब 4 को इसे नीचे ले आओ, तो n माइनस वन, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते क्या, इज इक्वल टू, ये देखो बदमस्ती करने के लिए यहाँ पे आ गया, इसको यहीं पे बदमस्ती, चलो मस्ती करने दो, आप यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होइए। हम क्या करते हैं, इस 4 को नीचे ले आते हैं, तो 2, 3, 6 के नीचे ये 4 आएगा, तो ये आ गया 4, क्लियर है। अब ये इसको लगा दो पहाड़ा पढ़ लो, तो ये भाई काटो भाग करो, तो 4 के बारे में 23 आता है, नहीं आता है, 4 के बारे में 20 आता है, 5 से आता है, कितना 4 × 5 = 20, 5 आता है, चलो 5 लगा दिया, बचा इधर क्या बचा 3 दे दो, तो 4 के बारे में 36 आता है, हाँ आता है, कितना दफे में 9 दफे में, तो जो काट दो तो बचा मेरा 9, तो यहाँ पे हो गया 59। अब ये एक उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा आपको, मैं देख लेता हूँ दिखता है कि नहीं, वरना कहोगे भाई कहाँ लिख रहे हो और अंधाधुंध लिखे जा रहे, नहीं दिख तो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो तो यहाँ पे 1 - 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो ये हो गया 49। अब माइनस वन उधर गया, तो मैं पहले बता इक्वल टू के माइनस है, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस, अदरवाइज इसको हम ऐड कर देंगे तो हो गया 59 ठीक है, तो 59 + 1 = 60, तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 60। मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 से लेकर के 250 के बीच में अगर 4 के गुणज को देखें तो 60 नंबर्स आएगा, 60 वो नंबर्स ऐसा आएगा जो 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और इस तरह हल करते हैं। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नक्को करने का, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, वरना आपको लया क्या नंबर मिलेगी नहीं, थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग, खुदा हाफिज़।